लोहरदगा के बरवाटोली स्थित नवनिर्मित मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के छठे दिन रविवार रात को भव्य जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचकर भैरव सिंह ने लोगों की उत्साह को चौगुनी कर दिए, जिसमें शिव शक्ति म्यूजिकल ग्रुप ने अपने कार्यक्रम में माता के भजनों से भक्तों को रात से भोर की पहली किरण तक को थिरकते रहे। इस पूरे कार्यक्रम का जिम्मा उठाए रमेश साहू और उनके पूरे टीम ने लोहरदगा में एक ऐतिहासिक कार्य को संपन्न कराया है। मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर अब लोहरदगा की पहचान बन गई है। दुर्गा मंदिर में 31 से कार्यक्रम शुरुआत किया गया था, आज कार्यक्रम का समापन हो रहा है। इस 6 दिन के बीच में हर दिन एक इतिहास लिखा गया। यहाँ के जितने भी धार्मिक संगठन है, प्रशासनिक व्यवस्था जो हम लोग दिया गया, और यहाँ के जितने सनातन समाज के लोग हैं, जो अथाह मेहनत लोगों ने किया है, हर एक दिन मंदिर निर्माण समिति के लिए एक इतिहास का दिन रहा। और मैं इस मंच के माध्यम से धार्मिक संगठन हो, सनातन समाज के एक एक लोगों को, प्रशासनिक लोगों को और मीडिया बंधुओं को, सबका मैं सम्मान करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आप और हम सबके सहयोग से आज लोहरदगा की धरती में एक इतिहास लिखा गया है। और ये बोलना कहीं से अनुचित नहीं होगा कि मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर लोहरदगा की पहचान बन चुकी है और यह हम लोगों की एक पहचान है। मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर का 31 तारीख से कलश यात्रा के साथ शुरुआत किया गया और आज अंतिम छोर में है। मैं लोहरदगा वासियों का, पुलिस प्रशासन, मीडिया बंधुओं को, सभी को आभार व्यक्त करते हैं और धार्मिक संगठन जितने भी, सभी का आभार व्यक्त करते हैं। और आज अंतिम पायदान में हम लोग जागरण करा रहे हैं, जागरण माँ का जागरण हो रहा है, पूरा लोहरदगा वासी आए हुए हैं और बहुत खुशी भी हमको भी हो रहा है। सबका सहयोग भी पूरा जिले टीम का, पूरे टीम का, मान लिया अपना हमारे टीम है, सबका सहयोग मिला, पूरा लोहरदगा वासियों का सहयोग मिला और आज सफल आयोजन हो सका है इसका। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।